हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के 11 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, जिसका यूज करके आपका कंप्यूटर चलाना और भी आसान हो जाएगा। और आप इस शॉर्टकट का यूज अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं। जिस सिस्टम को आप यूज करते हैं, आप उसमें इस शॉर्टकट का यूज करके आप अपने सिस्टम को और आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब शॉर्टकट बताते हैं। तो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट आता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ढेर सारे प्रोग्राम्स को ओपन कर लिया है। देख सकते हैं डिस्प्ले पर दिख रहा है आपको ढेर सारे प्रोग्राम, जैसे कि देख लीजिए हमने इतने प्रोग्राम ओपन कर लिया है यहाँ पर। और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सभी प्रोग्राम डायरेक्टली क्लोज हो जाएं, मतलब कि ये डायरेक्टली टास्क बार में चला जाए। तो आप दो शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। पहला तो है विंडो के साथ एम, जैसे ही आप विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे, देखेंगे सभी आपके एप्लीकेशन जितने भी ओपन है वो सीधा टास्क बार में चले जाएंगे। उसके बाद एक शॉर्टकट और है इसको ऐसे ही क्लोज करने का, सभी एक साथ, मतलब सभी अगर आप एक साथ क्लोज करना चाहते हैं तो दो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। पहला तो था विंडो के साथ एम, फिर उसी के बाद दूसरा शॉर्टकट है विंडो के साथ डी, मतलब आप विंडो के साथ एम भी यूज कर सकते हैं और विंडो के साथ डी भी यूज कर सकते हैं। फिर से आप दोबारा विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे, देखेंगे फिर से वही ओपन भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके सभी को एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा शॉर्टकट। अब दूसरा शॉर्टकट ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे प्रोग्राम्स, मतलब एप्लीकेशन ओपन किए हैं और हम डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे सभी एप्लीकेशन आ गया है। अब आप जिस एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके बस आपको इंटर कर देना होगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाले पे जाना है, तो यहाँ से हम पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाले पे ले जाएंगे, विंडो के साथ टैब किए, फिर उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाले ले जाकर इंटर कर देंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाला एप्लीकेशन ओपन हो गया यहाँ कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको ऐप ओपन करना है तो आपको यूज करना होगा अल्ट के साथ टैब बटन। अल्ट के साथ टैब बटन यूज करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली वो जा रहा है। बस आपको जो भी ओपन करना है उस पर ले जाके एक बार छोड़ देंगे, देखेंगे आपका वो भी ओपन हो जाएगा। फिर से उसके बाद इसको ओपन होने के बाद मान लीजिए अगर टास्क बार मतलब मिनिमाइज करना है सभी को एक साथ, विंडो के साथ डी फिर से प्रेस कर दीजिए, सभी एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरा शॉर्टकट। तीसरा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हम अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, कुछ इसी तरीके से अगर आप अपने सिस्टम में भी फाइल मैनेजर ओपन करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए दिस पीसी ओपन करना चाहते हैं, तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ ई बटन। विंडो के साथ ई जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे आपका फाइल मैनेजर या फिर इसे फाइल एक्सप्लोरर कुछ भी कह सकते हैं ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ से आप जो भी फाइल अपना ओपन करना चाहते हैं यहाँ जाकर इसमें ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब आपको विंडो के साथ, जैसे मान लीजिए फिर से हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, उसके बाद फिर से ओपन करना है विंडो के साथ ई जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे हमारा फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा या फिर फाइल एक्सप्लोरर। फिर उसके बाद है चौथा शॉर्टकट। चौथा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए आप सिस्टम चला रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारे एप्लीकेशन आप ओपन कर लिए हैं, आप इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन भी चलता रहे और आप एक इसी में एक नया विंडो लाना चाहते हैं, मतलब कि आप एक न्यू डेस्कटॉप इसी में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो कंट्रोल प्लस डी, मतलब विंडो कंट्रोल और डी इसके जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे आपके यहाँ पर नया डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा और जितने एप्लीकेशन आपके वो चल रहे थे वो सभी, मतलब वो पहले वाले डेस्कटॉप में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक दूसरा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक नया है, इसमें कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं नीचे प्रोग्राम्स वगैरह ओपन नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका पाँचवा शॉर्टकट। पाँचवा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने दो डेस्कटॉप तो ओपन कर लिया, अब हमको पहले वाले से दूसरे वाले पर जाना है या फिर दूसरे वाले डेस्कटॉप से पहले वाले डेस्कटॉप पर जाना है, तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। आपको विंडो के साथ एरो बटन का यूज करना होगा, मतलब जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन दिया रहता है उसका यूज करेंगे। आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो कंट्रोल के साथ एरो बटन, देखेंगे आपका दूसरा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। फिर से आपको दूसरे वाले जाना है, फिर से आपको विंडो कंट्रोल उसके बाद एरो बटन फिर से प्रेस करना होगा, देखेंगे आपके फिर से दूसरे वाले विंडो पर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आप अपने अलग अलग विंडो पर जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठवां शॉर्टकट। छठवां शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने दो डेस्कटॉप ओपन तो कर लिया है, उसके बाद यहाँ से हमने इसको स्विच करके भी देख लिया दोनों डेस्कटॉप। अब मान लीजिए हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारा ये दूसरा वाला जो डेस्कटॉप है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए शॉर्टकट की मदद से, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ कंट्रोल बटन, विंडो कंट्रोल उसके साथ F4 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे आपका वो वाला विंडो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई विंडो नहीं बचा है, मतलब जो फर्स्ट करेंटली फर्स्ट वाला चल रहा था सिर्फ वही बचा है। उसके बाद यहाँ से विंडो कंट्रोल और एरो की मदद करके देख सकते हैं कि कोई नहीं है इस समय, मतलब आप क्लोज करने के लिए विंडो कंट्रोल F4 बटन का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सातवें नंबर का शॉर्टकट। सातवें नंबर का शॉर्टकट ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं टास्क बार में कई सारे एप्लीकेशन हैं, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, मतलब यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं आप अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ मतलब वही नंबर डायरेक्टली प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने विंडो के साथ 5 ओपन किया,
मतलब विंडो के साथ 5 क्लिक किया तो 5वें नंबर पर देख सकते हैं जो था डायरेक्ट वो ओपन हो गया। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए विंडो के साथ हमने 6 प्रेस किया तो विंडो के साथ 6 प्रेस करने पर देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट था तो वो भी ओपन हो गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर था वो ओपन हो गया। कुछ इस तरीके से आप मतलब अपने टास्क बार के कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। जैसे 7 नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइल मैनेजर है तो हम विंडो के साथ 7 जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके। फिर उसके बाद हमारा 8वां शॉर्टकट है। 8वां शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने अपने डेस्कटॉप में कोई कुछ भी ओपन कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने अपने डेस्कटॉप में यही ओपन किया है, फिर उसके बाद हमको कहीं पर भी जूम करके देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है तो हम इस सीरियल नंबर को जूम करके देखना चाहते हैं तो हमको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ प्लस बटन। विंडो के साथ प्लस बटन जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी ले जाकर मतलब जहाँ आपका कर्सर रहेगा वहाँ या जूम करके दिखा देगा। फिर इसको और कम करना है फिर से विंडो के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। मतलब जूम करने के लिए आपको जहाँ भी जूम करना है वहाँ कर्सर ले जाना है फिर उसके बाद विंडो के साथ प्लस बटन प्रेस कर देना है देखेंगे वहाँ पर जूम हो जाएगा। फिर छोटा करना है आपको विंडो के साथ माइनस बटन प्रेस कर देना होगा देखेंगे आपका वो छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 9वें नंबर का शॉर्टकट। 9वें नंबर का शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने फिर से यहाँ पर अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है या फिर देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। अब इसको मान लीजिए अगर आप डायरेक्टली क्लोज करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट की मदद से तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F4 बटन। अल्ट के साथ F4 जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फिर से मान लीजिए यहाँ पर दूसरा ओपन हुआ फिर से हमको क्लोज करना है फिर से हम अल्ट के साथ F4 जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे वो भी क्लोज हो जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ F4 का यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड। फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट शॉर्टकट। लास्ट शॉर्टकट ये है जैसे मान लीजिए उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। उसको बताने के लिए यहाँ पर हमने अपने एम एस वर्ड ओपन कर लिया फिर यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से हमने इतना लिख लिया। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग हमें कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए हम अगर एक बार कॉपी कर लेंगे उसके बाद कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये पूरा ही एक बार में जाएगा उसके बाद दूसरा वाला नहीं होगा। तो कुछ अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइन अगर कॉपी करना है जैसे कि हमने यहाँ से इसको कॉपी किया फिर उसके बाद नीचे से ये वाली लाइन को कॉपी किया इसको भी कॉपी कर लिए फिर उसके बाद नीचे ये वाली लाइन को भी कॉपी कर लिए। और जैसे मान लीजिए ये वाली तीनों लाइन हमको एक साथ देखना है तो हमको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ वी बटन। विंडो के साथ वी जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे हमने तीन चीज़ कॉपी किया था तीनों देख सकते हैं सीरियल फाइज आ गया है। अब आपको जो भी यहाँ से लेना है बस आपको उस पर क्लिक कर देना होगा देखेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर से दूसरा लेना है विंडो के साथ वी प्रेस करिए देखेंगे यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप विंडो के साथ वी प्रेस करके आप जितने भी कॉपी किए रहेंगे यहाँ से आप अपना पेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में।